भारत की आज़ादी के 75 साल की याद में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से वजो आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने जलंधर कैंट विच वजरा कोर का दौरा किया। इस मौके सन्मान समागम दौरान राज्यपाल ने 6 वीर नारियां समेत तिना सेनावां दे 23 वैटरनस नूं सन्मानित किया। इस मौके संबोधन करदिआं राज्यपाल ने नेशन फर्स्ट की विचारधारा नूं दोहरांदिआं रक्षा बलों के जवानों की देश के नागरिकों लई मशाल धारक अते रोल माडल होण लई शलाघा कीती। उन्होंने साबका सैनिकां अते वीर नारियां की भलाई सुरक्षा सन्मान अते माण प्रति सरकार अते राष्ट्र की वचनबद्धता का भी भरोसा दिवाया। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मुझे कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलता है। करीब करीब देश के लिए कुर्बानियां हुई हैं, उनकी जानकारी युवा जागृत हो और सही में उनका जो सपना है विश्व गुरु बनाने का, नई पीढ़ी के माध्यम से नई पीढ़ी को जागृत करके जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है उनके प्रिंट पर आगे देश चढ़ना और देश को आगे ले जाना। इस मौके वजरा कोर के जनरल अफसर कमांडिंग लैफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रति वजरा कोर की वचनबद्धता होर मजबूत करते हुए साबका सैनिकां दे अथाह योगदान अते बहादुर नायकां दीआं कुर्बानियां ते चानणा पाया। अज सन्मानित कीते गए सेना कर्मियां विच एक कीर्ति चक्कर, 3 वीर चक्कर, 4 शौर्य चक्कर, 11 सेना मैडल, 1 युद्ध सेवा मैडल अते 2 विशिष्ट सेवा मैडल प्राप्त करन वाले शामिल सन। समागम विच वैटरन ओलंपियन ते अर्जुन अवार्डी रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरचरण सिंह अते रिटायर्ड कर्नल बलबीर सिंह नूं वी सन्मानित कीता गया। इस मौके सीनियर मोस्ट वैटरन लैफ्टिनेंट जनरल SS सांगरा, साबका फौजी कमांडर पछमी कमांड भी हाजिर सन। समागम विच जलंधर दे डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह, सीनियर फौजी अफसरां, वैटरनस, वीर नारियां, सेवा कर रहे सिपाहियां अते सिविल पतवंतियां ने भी शिरकत कीती।